बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, प्रोफेसर मुर्तज़ा शहज़ाद फ्रॉम सिटी कॉलेज। आज हम इकोनॉमिक्स का हमारा तीसरा लेक्चर है बीकॉम पार्ट वन का। आज का टॉपिक है हमारा काइंड्स ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेस, टैक्स की कुछ टाइप्स होती हैं, किस किस तरह के हमारे टैक्स हैं। पहला है जी प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, फिर रिग्रेसिव टैक्स हैं, प्रोपोर्शनल टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स इज द टाइप ऑफ टैक्स इन विच हाई रेट ऑफ टैक्स इज चार्ज फ्रॉम द हाई लेवल ऑफ इनकम एंड लो रेट ऑफ टैक्स इज चार्ज फ्रॉम द लो लेवल ऑफ इनकम। मतलब ऐसे लोग जिनकी इनकम ज़्यादा होती है उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा, उन पर टैक्स रेट ज़्यादा चार्ज किया जाएगा, और ऐसे लोग जिनकी इनकम कम होती है उनसे कम रेट टैक्स चार्ज किया जाएगा। प्रोग्रेसिव टैक्स, देखें उसके वर्ड से जो उसकी हेडिंग है उसी से ही शो हो रहा है कि ऐसा टैक्स होगा जो प्रोग्रेस करता जाएगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स रेट भी बढ़ता जाएगा। हमारे पाकिस्तान में इनकम टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्स है, कम आमदनी वालों पर इनकम टैक्स का रेट कम चार्ज किया जाता है और ज़्यादा आमदनी वालों पर इस टैक्स का रेट बढ़ जाता है। प्रोग्रेसिव टैक्स का देखिए टेबल एक मैंने बनाया है कि जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती जा रही है तो उसका टैक्स रेट भी बढ़ता जा रहा है। पहला 1 लाख आमदनी है तो 10% टैक्स लगा, लेकिन 2 लाख आमदनी अगर हो जाएगी तो टैक्स रेट बढ़ जाएगा, 3 लाख आमदनी पर 30%, 4 लाख पर 40% और 5 लाख पर 50% टैक्स रेट होगा। टैक्स रेट होगा मतलब जब आप इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा बनेगा। तो प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या है कि इनकम ज़्यादा तो टैक्स रेट भी ज़्यादा और इनकम कम तो टैक्स रेट भी कम। अगर आप इसमें ऐसा लिखेंगे कि इनकम ज़्यादा तो टैक्स ज़्यादा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर कोई फिक्स टैक्स नहीं बता रहे, हम रेट लगाएंगे, उसके साथ परसेंटेज लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसकी अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगी। दूसरा टैक्स है रिग्रेसिव टैक्स। पहला हमने पढ़ा प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेस करता जाएगा इनकम के बढ़ने के साथ साथ, जबकि ये है रिग्रेसिव टैक्स, रिग्रेस होता जाएगा, कम होता जाएगा। इनकम बढ़ेगी तो टैक्स रेट भी, टैक्स रेट कम हो जाएगा, और इनकम कम होगी तो टैक्स रेट बढ़ जाएगा। रिग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स इज द टाइप ऑफ टैक्स इन विच लो रेट ऑफ टैक्स इज चार्ज फ्रॉम द हाई लेवल ऑफ द इनकम एंड हाई रेट ऑफ टैक्स इज चार्ज फ्रॉम द लो लेवल ऑफ द इनकम। पाकिस्तान में सेल्स टैक्स हैं, कुछ गाड़ियों पर जैसे टैक्सेस लगते हैं, या किसी और फील्ड में भी कुछ टैक्सेस हैं ऐसे जो रिग्रेसिव टैक्स हैं। इसका टेबल देखें क्या है जी, पहले 1 लाख पर आपका 50% टैक्स, ज़्यादा टैक्स चार्ज किया जाएगा, फिर 2 लाख पर टैक्स रेट कम हो गया 40%, 3 लाख पर टैक्स रेट और कम हो गया 30%, 4 लाख पर फिर 20%, 5 लाख पर 10% टैक्स गया। अगर गवर्नमेंट किसी भी चीज़ का इस्तेमाल बढ़ाना चाहती है तो उस पर रिग्रेसिव टैक्स लगाया जा सकता है कि आप उसे कम इस्तेमाल ना करें बल्कि ज़्यादा इस्तेमाल करें। जब ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर आपको टैक्स रेट भी कम पे करना पड़ेगा। तीसरा है जी प्रोपोर्शनल टैक्स, फिक्स टैक्स भी इसे कह सकते हैं। प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है? इज़ द टाइप ऑफ द टैक्स इन विच टैक्स रेट इज सेम फॉर ऑल द लेवल ऑफ इनकम। आपकी इनकम बढ़े या कम हो आपका टैक्स रेट जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, इनकम के चेंज होने पर टैक्स रेट जो है वो चेंज नहीं होगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल ना आपके जो आप मोबाइल कार्ड रिचार्ज करते हैं कभी लोड करवाने जाएं, तो अगर आप उससे 50 का लोड करवा रहे हैं तो तब भी वो एक रेट से आपसे टैक्स काट रहा है, आप 500 का उससे लोड करवा रहे हैं तो तब भी उस पर टैक्स रेट जो होता है वो सेम ही रहता है, टैक्स रेट चेंज नहीं होता। तो प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होगा, चाहे इनकम बढ़े या कम हो आपका टैक्स रेट सेम रहेगा। देखें इस टेबल में इनकम उसकी बढ़ती जा रही है लेकिन उसका टैक्स रेट क्या है, 10% फिक्स किया हुआ है, वो ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। नेक्स्ट है जी डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होगा? इन द डायरेक्ट टैक्स द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट ऑफ द टैक्स इज ऑन द सेम पर्सन, एक ही पर्सन पर जिस पर हमने टैक्स लगाया है उसे ही वो टैक्स पे करना पड़ेगा। द इनिशियल पेयर कैन नॉट शिफ्ट द बर्डन ऑफ द टैक्स टू एनी बॉडी, किसी दूसरे पर हम उस टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट टैक्स, पाकिस्तान में इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स भी हमारा डायरेक्ट टैक्स है।
नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या जी, इन दिस टैक्स डिड इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट अकर ऑन द सेम पर्सन। इनिशियली द टैक्स इज सेम पर्सन नहीं होगा बल्कि डिफरेंट पर्सन पर होगा। इनिशियली द टैक्स इज इम्पोज ऑन वन पर्सन, एक शख्स पर टैक्स लगाया गया, हु ट्रांसफर इट्स बर्डन टू एन अदर पर्सन, जो कि उसके बर्डन को किसी दूसरे पर ट्रांसफर कर देता है। सेल टैक्स किस पर लगा है जी, सेलर पर लगेगा। सपोज हम एक गाड़ी सेल कर रहे हैं तो उस गाड़ी को सेल करने पर टैक्स लगेगा, लेकिन उस सेल टैक्स को पे कौन कर रहा है, बायर पे कर। हमें बायर से बाइंग टैक्स लेना चाहिए, बायर से सेल टैक्स तो नहीं लेना चाहिए, सेल टैक्स तो जो सेल कर रहा है उससे लेना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, लगाया तो हमने सेलर पर और सेलर को हमने परमिशन दे दी है कि आप चाहो तो इसको अपने बायर्स पर चार्ज कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, तो वो इसको शिफ्ट कर देता है बायर पर और वो उससे ले रहा होता है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है, जिस पर लगा वही पे करेगा। इनकम टैक्स, मेरी इनकम पर टैक्स लगा तो मैं इसको किसी दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकता। जबकि सेल्स टैक्स क्या था कि मैं कोई चीज़ सेल कर रहा था उस पर टैक्स लगा तो मैं इसको किसी दूसरे पर शिफ्ट कर सकता हूँ। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल इस तरह भी बता सकता हूँ आपको। सपोज हम अगर मेरा अपना घर हो, मैं उसमें रह रहा हूँ, उस घर पर टैक्स लगेगा तो मैं उस टैक्स को किसी दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकता, ये डायरेक्ट टैक्स होगा। लेकिन अगर मेरा घर मैंने किसी को किराए पर दिया हुआ है और उस पर टैक्स लग जाता है तो फिर क्या होगा, मैं उस टैक्स को उसके किराए में, उसके रेंट में शामिल करके उससे ले लूँगा। तो टैक्स लगा मुझ पर, मेरी प्रॉपर्टी पर, लेकिन पे कौन कर रहा है, मेरा किराएदार। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होगा, जिस पर इम्पोज होगा वो ही उसका बर्डन पे करेगा, उसके बर्डन को किसी दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकता। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, जिस शख्स पर टैक्स लगता है वो पे नहीं करता बल्कि उसके बर्डन को, फाइनल बर्डन को किसी दूसरे पर शिफ्ट कर देता है। पाकिस्तान में सेल्स टैक्स, इम्पोर्ट टैक्स, ड्यूटीज़ वगैरह, एक्साइज ड्यूटी, ये सारे हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस ही हैं। नेक्स्ट जी कुछ कैनन ऑफ टैक्सेशंस हैं कि जब हम टैक्स इम्पोज करते हैं तो हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। पहला है कैनन ऑफ इक्विलिटी, कि जो भी टैक्स हम लगाएंगे वो सब पर एक जैसा होना चाहिए। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि सब पर एक जैसी ही वैल्यू या एक जैसी परसेंटेज आए, हम ये कह रहे हैं कि सब पर बराबर टैक्स लगना चाहिए। जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो ज़्यादा टैक्स दे दें, जिसके पास कम पैसे हैं वो कम टैक्स दे दें। किसी शख्स को ये ना कहें कि इसको टैक्स इससे एग्जेम्पशन है वो ना दे, फलां आदमी टैक्स दे, तो ऐसा टैक्स सिस्टम नहीं होना चाहिए। टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कैनन ऑफ इक्विलिटी को पूरा करे, सब पर टैक्स लगना चाहिए, कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन टैक्स सब पर लगना चाहिए। सेकेंड इसका रूल है कैनन ऑफ सर्टेनिटी, सर्टेन मीन आपको यकीन हो कि आपको कितने पैसे मिलेंगे, आप कितने पैसे लोगों से ले सकते हैं। कैनन ऑफ सर्टेनिटी मतलब गवर्नमेंट अगर इनकम टैक्स लगाती है तो गवर्नमेंट को यकीन है कि इस माह में इतनी इनकम, इतनी सैलरीज लोगों के पास जानी है और उनकी सैलरीज में से इतने पैसे जो है वो डिडक्शन होकर हमारे अकाउंट में आ जाएगी। लेकिन सेल्स टैक्स जो है वो कैनन ऑफ सर्टेनिटी को पूरा नहीं करता। सपोज गवर्नमेंट चाह रही है कि फलां गाड़ी पर इतना टैक्स लगा दे, फलां गाड़ी पर गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए टैक्स लगा दिया सेल्स टैक्स, अगर वो गाड़ी सेल होगी तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेंगे, अगर वो गाड़ी सेल नहीं होती तो गवर्नमेंट को सेल टैक्स नहीं मिलेगा। जबकि सैलरीज के बारे में गवर्नमेंट को पता है हर एम्प्लॉयज़ को इस माह में सैलरी मिलनी है, तो वो उनकी इनकम में से, उनकी सैलरी में से टैक्स ले लेगी। तो इनकम टैक्स जो है वो कैनन ऑफ सर्टेनिटी को पूरा कर रहे हैं, जबकि सेल टैक्स जो है वो हमारा कैनन ऑफ सर्टेनिटी को पूरा नहीं कर रहा। तीसरा क्या इसका रूल है जी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस, टैक्स हमें उस वक्त लगाना चाहिए जब हमारे लिए टैक्स पे करना आसान हो। मतलब अगर आप किसी एम्प्लॉय पर टैक्स लगाते हैं तो उस पर उस वक्त टैक्स लगाएं कि जब उसको सैलरी मिल रही हो। अगर हम महीने के आखिरी दिनों में अगर टैक्स लगा देंगे उस मुलाजिम पर, एम्प्लॉय पर, तो वो टैक्स पे नहीं कर सकेगा। इसी तरह फार्मर पर जो टैक्स लगा रहे हैं, जब वो हार्वेस्ट कर चुके हैं अपनी क्रॉप्स को, तो तब उस पर टैक्स लगना चाहिए कि उसके लिए आसानी हो, वो टैक्स दे सके। सैलरीड पर्सन को सैलरी जब मिल जाए उस पर टैक्स लगना चाहिए, उस पर वो उसे पे कर सके। कैनन ऑफ कन्वीनियंस मीन कि टैक्स आपका आसान हो, लोगों के लिए उसको पे करना आसान हो। कैनन ऑफ इकोनॉमी,
टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें इकोनॉमी हो, मतलब आप इतने पैसे उसको टैक्स को कलेक्ट टैक्स कलेक्ट करने के लिए इतने पैसे खर्च ना कर दें कि आपको रकम जो मिले, रेवेन्यू जो मिले वो कम हो और आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा आ जाएं। सपोज़ अगर आप पाकिस्तान में कहीं दूर इलाके पर किसी शख्स पर 2 लाख रुपए टैक्स लगा दिया, तो उस शख्स से 2 लाख रुपए टैक्स लेने के लिए आप उसकी तरफ 10 चक्कर लगा देंगे तो इतना टैक्स नहीं है जितना आपका खर्चा हो जाएगा। कैन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी बचत, मतलब कम पैसे खर्च हों और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस इकट्ठे हों, तो कैनन ऑफ इकोनॉमी हमारा जो है वो टैक्स सिस्टम होना चाहिए। कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, टैक्स सिस्टम ऐसा हो जो जितने भी पैसे उस टैक्स के ज़रिए हमारे पास आए उसको हम किसी प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए काम करें, हम उससे फैक्ट्रियाँ बनाएँ, रोड्स बनाएँ, कुछ और इस तरह के प्रोडक्टिव काम जो है वो हम कर सकें। अगर टैक्स के ज़रिए इकट्ठा होने वाला पैसा हमारे हुक्मरान अपनी अयाशियों पर खर्च कर दें या किसी और इस तरह की नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस में आ जाए, EDOs, DCOs, प्रोटोकॉल है, MNAs, MPAs हैं, घरों की जनाब, अब जिस मैं तो ये कहूँगा कि हम गलियों में जो सोलिंग बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, टफ टाइल लग रही है, ये भी नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस ही हैं। पहले हमें फैक्ट्रियाँ लगानी चाहिए, पहले हमें रोड्स बनाने चाहिए, ब्रिजेस बनाने चाहिए, जब वो चीज़ें बन जाएंगी उसके बाद फिर हम ये गली मोहल्लों के काम भी कर सकते हैं। तो हमारा टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी को पूरा करे। कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिक, लचक हो उसमें, जब बढ़ाना चाहें बढ़ जाए, जब कम करना चाहें कम कर दें, हो जाए, ये कैनन ऑफ इलास्टिसिटी है। टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें इलास्टिसिटी हो। देखिए अब हमारे मुल्क में इस वक्त जो आफत है कोरोना की, इससे निपटने के लिए गवर्नमेंट के पास टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि अगर वो बढ़ाना चाहती है तो बढ़ा दे, अगर वो इस लोगों को कंसेशन देना चाहती है तो अपने टैक्स रेट को कम कर दे, उसको लचक होनी चाहिए, उसमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए। कुछ टैक्स सिस्टम ऐसे होते हैं रिजिड से होते हैं जिनमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, वैसे टैक्स सिस्टम अच्छा टैक्स सिस्टम नहीं होगा। ऐसे टैक्स सिस्टम होते हैं लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अच्छे टैक्स सिस्टम में ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, उसमें कैनन ऑफ इलास्टिसिटी हो। फिर है कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, टैक्स सिस्टम हमारा सिंपल, आज हम अपने मोबाइल लोड का जो है टैक्स फ़ौरन ख़ुद कैलकुलेट कर लेते हैं कि 100 रुपये पर इतने पैसे बनते हैं तो 200 पर इतने बनेंगे, 400 रुपये पर इतने बनेंगे, कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, सिंपल। लेकिन पाकिस्तान में प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम जो है या दूसरे टैक्स के सिस्टम जो है वो इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि आम बंदा उन्हें नहीं समझ सकता। उसके लिए बाज़ कंपनियों ने तो लॉयर, वकील जो है वो हायर किए हुए, वो उन्हें पूरा टैक्स स्टेटमेंट बना के देते हैं कि सर आपका इतना टैक्स बनता है। तो हमारा टैक्स सिस्टम क्या होना चाहिए, सिंपल हो, कि आप फिंगर टिप्स पे खुद ही घर बैठे आप कैलकुलेट कर लें कि आपके मकान का टैक्स इतना बनता है, आपकी इनकम का टैक्स इतना बनता है, आपकी सेल्स टैक्स इतना बनता है, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, गिफ्ट है, कुछ भी है, जो भी टैक्स है, खुद अपने घर में बैठे बैठे कैलकुलेट कर लें। तो कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी मीन हमारा टैक्स सिस्टम क्या हो, सिंपल हो, आसान होना चाहिए। कैनन ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिफाई, वसी, कोई भी बंदा हमारे इस टैक्स सिस्टम से एग्जेम्प्टेड ना हो, किसी को भी रियायत ना मिले, सारे लोग उस सिस्टम में हों ताकि फिर कोई भी दूसरा शख्स जो है उसकी मुखालफत ना कर सके। अभी हम इससे पिछले लेक्चर में था कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, मैंने कहा पाकिस्तान में नहीं ले रहे। देखिए अगर हम एग्रीकल्चर से इनकम टैक्स नहीं ले रहे, बाकी सेक्टर से हम इनकम टैक्स ले रहे हैं, तो बाकी सेक्टर्स बोल रहे हैं नहीं जी आप उन हमसे इनकम टैक्स ले रहे हैं तो उनसे क्यों नहीं ले रहे। इंडस्ट्रियलिस्ट सेल टैक्स भी पे करता है, फार्मर भी सेल टैक्स पे करता है, इंडस्ट्रियलिस्ट इनकम टैक्स भी पे करता है और फार्मर इनकम टैक्स पे नहीं करता, तो देखें इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो उसके खिलाफ होता है कि नहीं जी ये इसको भी इस टैक्स नेट में लाएं। तो कैनन ऑफ डाइवर्सिटी मीन कि हमारा टैक्स सिस्टम ऐसा वसी होना चाहिए कि कोई भी शख्स उस टैक्स सिस्टम से बाहर ना हो। ठीक है जी, ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।